सहारनपुर के देहात विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अजब सिंह के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी छोड़कर युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। सहारनपुर के देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव नोजली उर्फ दानियालपुर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम के दौरान गांव के प्रधान प्रत्याशी रहे व सपा नेता इकराम के नेतृत्व में सैकड़ों सफाइयों ने आपसी मतभेद के चलते समाजवादी पार्टी का अलविदा कहकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अजब सिंह के समक्ष बसपा का दामन थाम लिया और आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में बसपा प्रत्याशी अजब सिंह ने सपा छोड़कर बसपा में आए सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि आज बसपा के बढ़ते जनाधार को लेकर विरोधी दलों की बेचैनी आसमान छू रही है और वह बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि बसपा ही एक ऐसा दल है जो सभी वर्गों व समुदाय के हितों की रक्षा करता है, अर्थात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को आधार मानकर बसपा की सभी वर्गों का सम्मान करता है। आज आप देख सकते हैं कि नागल थाना क्षेत्र के गांव नोजली में यहां पर सहारनपुर देहात के प्रत्याशी अजब सिंह जी बसपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं। आज सपा से बहुत सी मुस्लिम समुदाय ने आकर बसपा को ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं कि पीछे है जिनने ज्वाइन किया। आज हमारे बीच हम लोग हैं गांव नोजली में और हमारे बीच बहुत से लोगों ने सपा से बसपा का दामन थामा है। क्या नाम है आपका? इस्तखार नाम है जी मेरा। कितने लोगों ने आज सपा को छोड़कर बसपा का दामन थामा? 1100 आदमी है जी। क्या कारण रहा है कि सपा को छोड़कर हमने बसपा का? बस कैंडिडेट बढ़िया नहीं है यहाँ जी। अजब सिंह जमीनी नेता जी और ढेर शरीफ आदमी जी जी अच्छा आदमी मिलनसार आदमी जी वो जो है कुर्ता पजामा झाड़ने वाले जी लोगों का मान सम्मान नहीं है जी पब्लिक को चारा मान सम्मान जी ना के बेइज्जती जी इसीलिए हमने बसपा का दमन था जी। ग्राम नौजली में सहारनपुर देहात विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से सभी लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है और सर्व समाज का सम्मान करने का काम करती है। इसलिए मैं अपनी मुस्लिम आवाम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी लोग विचारधारा से जुड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो है विचारधारा की पार्टी है और सब लोग विचारधारा से जुड़ रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा सहारनपुर देहात विधानसभा का विकास करने का? क्या मुद्दे किन विकास पर मुद्दे पर बसपा पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है? बसपा पार्टी सबसे पहले हम रोजगार का मुद्दा है, रोजगार देने का काम करेंगे। माननीय बहन जी की सरकार और जो हमारी माताएं बहनें हैं सुरक्षित है उन्हें सुरक्षा देने का काम करेंगे और जितने हमारे युवा साथी हैं उनको शिक्षा देने का काम करेंगे और क्षेत्र में जो इतनी महंगाई की कगार पे सरकार ने कर दिया उस पर रोक लगाने का काम करेंगे और गन्नों के किसानों के जो गन्ने का पेमेंट है उसे उचित दिलाने का काम करेंगे, उनके फसलों को उचित दाम दिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों को जीत कर बसपा आ रही है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है जी। चलिए।